दोस्तों, क्या आप जानते हो कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट हो चुका है? ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे करवाया गया, क्या पॉलिसी है और यूट्यूब ने कैरी मिनाटी का वीडियो क्यों डिलीट किया, इसके ऊपर मैंने पूरी जानकारी निकाली है कि क्या ऐसी गलती थी कैरी मिनाटी के वीडियो में जिससे उसकी वीडियो डिलीट हो गई। और ऐसा डिलीट हो, चलो मानता हूँ कि कैरी मिनाटी और भी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो को डिलीट करवाने के पीछे किसी माइंडेड और मास्टरमाइंड का दिमाग है, उसने इस वीडियो को डिलीट करवाया है, वरना कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो अपनी वीडियो में ऑलवेज रोस्टिंग करता है, लेकिन फिर भी उसकी वीडियो कैसे डिलीट हो गई मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक ना किया हो तो अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपको जानकारी सबसे फर्स्ट बता रहा हूं कि कैरी मिनाटी की वीडियो क्यों डिलीट हुई। देखो, जब हम वीडियो को ओपन करते हैं तो देखो ऐसा लिखा हुआ आता है कैरी मिनाटी की वीडियो पर, दिस वीडियो हैज बीन रिमूव फॉर वॉयलेट्स यूट्यूब पॉलिसी ऑन हरेसमेंट एंड बुलिंग, यानी साइबर बुलिंग। ये पॉलिसी है यूट्यूब की, गाइडलाइंस पॉलिसी है। अब वो कौन सी पॉलिसी, मैं आपको देखो गूगल पर लेके चलता हूँ, और ये वाली पॉलिसी का नाम है हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग पॉलिसी, और इसी पॉलिसी के कारण कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट हुआ है। और जब मैंने ये पॉलिसी के बारे में सब कुछ पढ़ा, डिटेल्स में सब कुछ मैंने गूगल में ट्रांसलेट करके पढ़ा, तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि इतनी खतरनाक पॉलिसी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आपको इस पॉलिसी को जानना जरूरी है, अगर आप ऐसी कोई भी गलती करते हो तो आपका चैनल खतरे में जा सकता है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है, आपका वीडियो रिमूव हो सकता है, और कुछ क्या क्या हो सकता है आपको अंदाजा भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, चलिए देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ और डायरेक्ट चलता हूँ गूगल ट्रांसलेटर पर, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है ये पहले से ही, तो अब मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। YouTube पर व्यक्ति को धमकी देने वाली सामग्री की अनुमति नहीं है। हम उन सामग्रियों को भी अनुमति नहीं देते हैं जो किसी व्यक्ति को आंतरिक विशेषताओं के आधार पर लंबे समय तक या दुर्भाग्यपूर्ण अपमान के साथ लक्षित करते हैं, जिसमें उनकी संरक्षित समूह स्थिति या भौतिक लक्षण शामिल है। यदि आपको ऐसी सामग्री मिलती है जो इस नीति का उल्लंघन करती है, तो कृपया इसकी रिपोर्ट करें। हमारे सामुदायिक दिशा निर्देशों को उल्लंघन की रिपोर्ट करने के निर्देश या उल्लंघन उपलब्ध है। यदि आपको एक से अधिक वीडियो टिप्पणियां या उपयोगकर्ता का संपूर्ण चैनल मिला है जिसकी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे रिपोर्टिंग टूल पर जाएं, जहां आप अधिक विस्तृत शिकायत प्रस्तुत कर सकेंगे। सुरक्षित रहने के लिए युक्ति और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए अपने खाते को सुरक्षित रखें और अपनी गोपनीयता की रक्षा करें, इस सहायता के केंद्र के लेके देखें। और दोस्त, ये जो पॉलिसी है इसमें ऐसा बताया जाता है कि आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, किसी के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते, किसी का फोटो लगाकर उसके ऊपर गाली नहीं बोल सकते, किसी को बार बार अपमान नहीं कर सकते कि वो गंदा है, इतना खराब है, कुत्ता है, बिल्ली है, यानी गाली वगैरह अगर हम अपनी वीडियो में देते हैं, किसी को बार बार अगर हम ऐसा हैरान करते हैं, अपमान करते हैं, तो वो वीडियो हरेसमेंट साइबर बुलिंग में आती है। और उसी पॉलिसी के कारण यूट्यूब ने अपने कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट कर दी थी। और देखो ये नीचे एक और पॉलिसी है, जो भी मैं आपको एक बार इसको ट्रांसलेट करके समझा देता हूँ, जिसको आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो, यदि सामग्री इस नीति का उल्लंघन करती है तो क्या होता है, यदि आपकी सामग्री इस नीति का उल्लंघन करती है तो हम उस सामग्री को के निकाल देंगे और आपको एक ईमेल भेज देंगे, जिससे आपको पता चल सके यदि यह पहली बार हमारे सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है, तो आपको अपने चैनल को कोई जुर्माना नहीं देने की चेतावनी मिलेगी। यदि यह नहीं है तो हम आपके चैनल के खिलाफ हड़ताल जारी करेंगे। यदि आपको 3 स्ट्राइक मिलती है तो आपका चैनल समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में और भी कुछ जान सकते हो। तो दोस्तों, आपको इस पॉलिसी के बारे में पता चल गया होगा, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट करना या डिलीट करवाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैरी मिनाटी बहुत बड़ा यूट्यूबर है, नंबर वन यूट्यूबर है रोस्टिंग में, और उसने एक वीडियो नहीं बनाई है, बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाकर रखी हैं। लेकिन जो भी ये काम किया है, जिसने भी रिपोर्ट की है, जिसने भी रिपोर्टिंग करवाई होगी, वो मास्टरमाइंड होगा,
उसने पूरे प्रूफ के साथ एकदम 100% काम करके तभी कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट हुई है, वरना उनकी वीडियो डिलीट नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इस पॉलिसी के बारे में जान के कैसा लगा। और अगर आप भी ऐसी गलती करते हो तो आज से ये गलती छोड़ देना, वरना आपका चैनल भी खतरे में जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।